खंडर हो चुके राजीव गांधी खेल परिसर की हालत सुधारने पर भले ही खेल विभाग ने करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर भवन की हालत बेहतर की हो, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति से लेकर सुविधाओं की तरफ गब्बर सिंह के महकमे का कतई कोई ध्यान नहीं दिया गया है। न कोच है, न बिजली और न पानी, खेल का सामान नहीं है, मैदान समतल है। हद तो तब हो गई जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बने इन खेल परिसरों का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। उद्घाटन से पहले ही कई बार तो स्टेडियम की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मीडिया में लगातार मामला उठाया गया तो खेल मंत्री अनिल विज ने स्टेडियम की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए की राशि भेज दी, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति और सुविधाओं की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। स्टाफ की कमी की वजह से खेल विभाग का इन खेल परिसरों पर कोई ध्यान नहीं रहता, जिसके चलते इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। ऊबड़ खाबड़ मैदान होने की वजह से साथ कोच और ग्राउंड्समैन तो दूर, चौकीदार चपरासी तक की नियुक्ति खेल परिसरों में नहीं की गई है। तत्कालीन सरकार में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास तो हुए, लेकिन स्टाफ की कमी पर किसी ने नहीं सोचा। नूह मेवात जिले में तकरीबन 6 खेल स्टेडियम बनाए गए, जिनकी हालत खेलने लायक तो दूर, देखने लायक भी नहीं है, कई वर्षों में नहीं रही है। खेल विभाग और जिले के लोग सरकार से लगातार खेल स्टेडियमों की कायापलट से लेकर स्टाफ की नियुक्ति की मांग कर रहे थे, जिसके बाद करीब 1.2 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। खेल विभाग ने पंचायती राज विभाग को उपरोक्त राशि भेजकर पिनगवा सहित कई खेल परिसर पर नवीनीकरण का काम कराया जा सका। ये हाल उस प्रदेश के नूह जिले के खेल विभाग और स्टेडियम का है, जिसे मेडल उद्योग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं की दरकार इनकी राह में रोड़ा बनती रही है। जिले की 14 लाख की आबादी में एक भी खेल स्टेडियम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। मेवात जिले को वजूद में आए करीब 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेट सहित कई जिला इकाइयों को मान्यता तक नहीं मिल पाई। बाद में जिला बने पलवल को भी क्रिकेट सहित कई खेलों की जिला इकाई को मान्यता मिली, लेकिन मेवात से नूह हुए जिले की खेल इकाइयों को मान्यता नहीं दी गई। यहाँ पर सिर्फ खेल के लिए स्टेडियम बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का स्टेडियम बनाया हुआ है। अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दावा यहाँ पूरा नहीं कराया जा रहा है। ना यहाँ पर कोई पिच वगैरह की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। अब तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाया। यहाँ पर ना तो कोच है, ना कोई और सुविधा है किसी भी प्रकार की, कि यहाँ पर कोच को ले खेलने के लिए। यार नाम मात्र का स्टेडियम बनाया हुआ है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट की है, नहीं स्टाफ की है, ना कोच की है, कोई सुविधा नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हो, कोच हो, पूरी अकेडमी बने, जिससे कि मेवात के आने वाले बच्चे के लिए भविष्य बन सके। वो स्टेडियम जब यहाँ पर बना था तो हमें बहुत खुशी हुई थी। ये स्टेडियम 8-10 साल पहले बना था कांग्रेस सरकार में। सर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा है, नहीं यहाँ पर पानी की सुविधा है, न इसमें चौकीदार है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सारे में घास खड़ी है, इसमें भेड़ बकरी गाय भैंस लौटती हैं। इस किस तरह का स्टेडियम है ये? तो किस तरह का नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है? तो सर नुकसान ये हमको ही हो रहा है कि ये बन गया तो इसमें हमारे मेवात के बच्चे खेले, आगे बढ़ें, तो यहाँ पर सर कुछ नहीं, कोच नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सर क्या करें? बच्चे तो हमारे यहाँ के काफ़ी हुनर दिखाते हैं, पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और नहीं कोच है। सर कमी हमें यहाँ पर ये खलती है कि हमारे मेवात वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं और सारे डिस्ट्रिक्टों के बच्चे आगे बढ़ के खेल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अधिकारियों से मैंने कई बार बोला, बाद में डिस्ट्रिक्ट कोच के लिए रखा गया है पलवल से, और यहाँ पे जो बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, जहाँ बाहर जाके यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, उनको मेवात में एफिलिएशन तो मिली नहीं क्रिकेट की अभी। तो हम चाह रहे हैं कि अगर मेवात में एफिलिएशन भी मिल जाती है तो यहाँ के लड़के बाहर ना खेले जाके, क्योंकि यहाँ का जो टैलेंट है बहुत अच्छा है, मगर लड़के पैसे की वजह से बाहर नहीं जा पाते। कुछ गरीब लड़के हैं, वो खेल नहीं पाते हैं जाकर। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ के लड़के यहीं खेलें अपनी जगह पर, कम से कम वो पैसा तो एफर्ट लगा सकते हैं कि हम पलवल वालों ने वहाँ अटैच अपने दे दी अकेडमी डिस्ट्रिक्ट की, मगर जब तक एफिलिएशन यहाँ की नहीं मिलेगी तब तक लड़कों को आगे बढ़ने में कोई सुविधा जब दी जाएगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। और ये स्टेडियम को हो गया 8-10 साल बंद हुए, अब ये चालू करना कोई अगर ये अधिकारी ही कर सकते हैं, ये ऊपर के या स्पोर्ट जो ऑफिसर आते हैं वो कर सकते हैं बोलकर, मगर यहाँ के लड़कों के लिए कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? लड़कों में टैलेंट बहुत है, यहाँ रेस वाले लड़के बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट के अच्छे हैं, वॉलीबॉल के अच्छे हैं, हॉकी के हैं, मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो आगे बढ़ सके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ जल्द से जल्द अच्छे कोच आएँ और यहाँ सुविधाएं लाइट की। नूह से एके बघेल। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।